कैसे हैं आप सब लोग। सलाम दुआ और बाकी दूसरी चीज़ें करने का वक्त नहीं है। एक ऐसी चीज़ आप लोग को बतानी है कि जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मसले हो सकते हैं। मेरे साथ आज एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है। वो ये हुआ है कि मैं टेलीनॉर के ऑफिस गई थी अपने किसी काम के लिए। मेरे पैकेज का मसला था तो वहाँ पे ऐवे ही मैंने पूछ लिया अभी मेरे नाम कितनी सिम है। उन्होंने बोला चार सिम है और जिनमें से दो सिम जो है वो मेरी अपनी है। दो सिमों का मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये कब ली है। उन्होंने नंबर दिखाया, मैंने कहा ये मेरी सिम है ही नहीं। उन्होंने बोला इसमें से एक सिम तो आपकी अभी निकली है 10 अगस्त 2022 यानी कि एक हफ्ता पहले। मैंने कहा मैंने नहीं निकलवाई। वो कह रहे आपका थंब लगा हुआ है, कैसे नहीं निकलवाई। अच्छा भाई, मैंने कहा मैं गई थी इजी पैसा के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो उन्होंने दो तीन बार मेरा थंब लगवाया, बोला अभी ठीक नहीं हो रहा, आप इसको सही से करें ये वो। तो उन्होंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने बोला बिल्कुल उन्होंने किया है। तो जैसे ही वहां से निकले तो हम मेरे हस्बैंड मुझे ले गए FIR कटवाने। मैंने कहा रुक जाओ, पहले उस बंदे के पास चलते हैं। बाबा कम्युनिकेशन करके डिफेंस व्यू फेज 2 में जो पर उनकी शॉप है भाई, उनके पास गए तो कह रहे हैं हाँ वो असल में जब आपकी इजी पैसा या किसी चीज के लिए वेरिफिकेशन कराते हैं ना तो सिम निकालना जरूरी होता है। इनको मैंने बोला भाई मेरी बात सुने, हम आपको क्या जाहिल लगते हैं, क्या पागल आपको लगते हैं, सिम निकालनी ये कैसे। फिर वो पलट गए, फिर वो कहते हैं हाँ शायद हो सकता है गलती होगी। गलती से भी मेरे हस्बैंड ने बोला सिम निकली अगर थम से तो भाई ये मुझे बताओ कि आप इनको बता देते कि आपके नाम की सिम निकल गई है, ये ले चली जाए। तो वो उन्होंने बात गुल कर दी और उन्होंने सोचा शायद ऐसा ही है सारा कुछ। इन्होंने हाथ पकड़ा मेरे हस्बैंड ने और वो वापस लेकर आ गए। अब हम रात में लीगल एक्शन लेंगे, FIR कटवाएंगे इनके नाम की और प्रॉपर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। साइबर क्राइम में भी इनकी कंप्लेंट जो है होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब मेरी सिम इन्होंने पता नहीं किसको दी, क्या किया, कोई बंदा किसी को ब्लैकमेल करे, कुछ भी करे, मुझसे जवाबदेह होंगे ना जब कंप्लेन होगी। तो वो बोलेंगे ना बीबी आपका थंब लगा हुआ है, आपकी सिम, आपको होश ही नहीं है। तो सिर्फ इस मैसेज में आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने करीबी जगहों के लिए अपने करीबी जो भी आपकी सिम है ना, टेलीनॉर है, जोंग है, जैज है, जो भी है, वहां जाए अपने नाम की सिम पूछें कितनी सिम आपके नाम पे चल रही है। जो जो लोग जैस कैश और ये सब करवाने छोटे मोहल्लों की दुकानों पे जाते हैं, आपका थंब लगाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। एक से ज्यादा अगर कोई ऐसे करे तो आपने मना कर देना है, आपने पूछना है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और सब लोग जाके वेरीफाई करवाएं कि आप लोग के नाम पे कितनी सिमें चल रही हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने क्राइम बना लिया। जब मैंने 4-5 लोगों से बात की तो उन्होंने बताया हाँ ऐसा होता है, हमें तो नहीं पता था। तो ख्याल रखें अपना, दूसरों का भी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो। हमें तो फिर भी, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। दूसरे कई सारे लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं होगा इस बारे में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और बचें ऐसे लोगों से। मालूम करते रहें कि आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं और क्या चल रहा है। शुक्रिया। करीब से ही ले रहे हैं ताकि मैं अपने पेज पे भी डाल दूंगी, लोगों को भी पता चले। बाबा कम्युनिकेशन, सही है, डिफेंस व्यू फेज 2।